हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस हो चुका है और मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ मेरी यूट्यूब जर्नी शेयर करने वाला हूं, जहां पे मैं कैसे 0 सब्सक्राइबर्स से अभी 100,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा, वो पूरी की पूरी ग्रोथ जर्नी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर मेरा एक ही मकसद था, जो आज भी मेरा मकसद वही है, कि मैं गेम डेवलपर बन तो गया, बट गेम डेवलपर बनने के लिए मुझे एक पाथवे कभी पता नहीं था। जब मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि यार जो भी मैंने सीखा है अब तक, वो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ और यूट्यूब के ऊपर डालते रहता हूँ। उससे क्या होगा कि चलो मेरे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट कोई अगर नया बंदा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो फिर उसको वो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसे करते करते 2019 लगभग के स्टार्ट में मैंने रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हुआ ऐसे कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, हाउ आई बिकेम अ गेम डेवलपर इन इंडिया, उसके ऊपर 1000 व्यूज क्रॉस हो चुके थे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि जो भी टाइप का कॉन्टेंट मैं डाल रहा हूँ, उसके ऊपर व्यूज़ भी आ रहे और उससे कहीं ना कहीं पर लोगों की हेल्प भी हो रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियोस अपलोड करते गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे वीडियोस इतने हो गए थे कि सारे के सारे लोग रेगुलरली देख रहे थे, जो भी सब्सक्राइब था वो देख रहे थे। और ऐसे करते करते इवेंचुअली मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर दिया था। और 1000 सब्सक्राइबर्स मिलने उस टाइम पे बहुत बड़ा नंबर था, बिकॉज अगर मेरे सामने 1000 लोग भी आ जाए तो फिर भी यार बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग हो जाते हैं। सो 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था। तो और इसके पहले मैंने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेट करने के लिए मैं लाइव चले जाता हूँ। और मैंने वही किया, 1000 सब्सक्राइबर्स जैसे हिट हुए उस टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीम किया। और उस टाइम पे मुझे एक कॉन्सेप्ट हिट हुआ कि यार लाइव स्ट्रीम पे होके मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ और लोग एक्चुअली मेरे से बात कर सकते हैं, उनके जो डाउट्स हैं वो मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकता हूँ। और यही कॉन्सेप्ट को लेके फिर बाद में मैंने रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स करना स्टार्ट कर दी। और ऐसे करते करते मैं कंटेंट डालते रहा, बीच बीच में लाइव स्ट्रीम्स करते गया, और एक दिन मेरे पास 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। 5000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद IGDC आया था उस टाइम पे, 2019 की बात है। तो मैं IGDC में एज अ स्पीकर गया था, तो उस टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से काफ़ी सारे लोग मुझे पहचानने लग गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली गेम डेवलपर्स का कॉन्फ्रेंस था और मैं मेरे चैनल के ऊपर गेम डेवलपमेंट रिलेटेड कॉन्टेंट डालता था। इस वजह से बहुत सारे लोग मुझे पहचानने लगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई फेल्ट लाइक अ मिनी सेलिब्रिटी। वैसे ही फीलिंग आ रही थी कि यार इतने सारे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। और हुआ ऐसे कि ये सब होने के बाद मेरा चैनल हैक हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 2019 के एंड में मेरा चैनल एक्चुअली हैक हो गया था। मुझे एक ईमेल आया था किसी अननोन एंटिटी से, उन्होंने बोला हम लोग को आपको स्पॉन्सरशिप देनी है क्योंकि हम आपके साथ एक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, और उन्होंने कुछ लिंक्स पास ऑन किए थे। आई नो मेरे लिए एक बहुत डम चीज़ थी, मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरा चैनल का एक्सेस मेरे हाथ से चला गया था। लगभग एक महीना चले गया मुझे मेरे चैनल को वापस आने के लिए। उस दौरान मैंने एक दूसरा चैनल भी बनाया था, जो अभी निखिल मानकर ब्लॉग्स है, उस चैनल के ऊपर मैं मेरे रेगुलर कंटेंट डालने लग गया था। वो इस वजह से क्योंकि मैंने सोचा कि यार अभी अगर मेरे को ये चैनल वापस नहीं मिलता तो फिर क्या करें, यू नो विल जस्ट मूव ऑन। क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है अंकिता, उसने बोला था यार तेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कहाँ हुए, इतना क्यों उदास हो रहा है, नया चैनल बना दे, वापस स्टार्ट कर दे। तो उसी की एडवाइस फॉलो करके मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम आई डिड नॉट गिव अप, मैंने गिव अप नहीं किया, यूट्यूब के साथ कॉन्स्टेंट फॉलोअप्स थे मेरे। और फाइनली मुझे 26 जनवरी, जो एक्चुअली अंकिता का बर्थडे भी है, उस दिन मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया। सो हर बर्थडे सर्व्ड एज अ लकी चार्म फॉर मी, एंड यू नो उसके बाद आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मैं वापस कंटेंट डालते गया, और इवेंचुअली मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 30,000 हुए, और एक दिन मैंने मुंबई गलीज अनाउंस की। मुंबई गलीज जिस दिन अनाउंस की, उस दिन से अब तक बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया फॉर मुंबई गलीज एज वेल एज फॉर मी। सो तब से लेके अब तक द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग, एंड जो भी सपोर्ट रहा है फ्रॉम डे वन, जितने भी लोग डे वन से जुड़े हुए हैं अब तक, आई फील रियली 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 थैंकफुल कि आप लोग अभी तक हो, एंड आई लव यू ऑल यार, आई रियली लव यू ऑल। मैं जब भी लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ तो उस टाइम पर मुझे आपसे बातचीत करना काफ़ी पसंद है। आजकल मैं ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर सकता क्योंकि यू नो टाइम बैंडविड्थ इतना नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ
कि एक शेड्यूल्ड लाइव स्ट्रीम्स करते रहूं, वेडनेसडे टू वेडनेसडे अपने लाइव स्ट्रीम्स भी होते हैं, तो ऐसे मुझे आप सभी लोगों के साथ जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यू नो 100,000 सब्सक्राइबर्स मिलने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैंने हमेशा यही बोला है कि यार नंबर्स जो है उनसे मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू नो ये जो सब्सक्राइबर्स ग्रो होते जा रहे हैं ये मेरे लिए एक सेंस ऑफ वैलिडेशन है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इट इज़ विद द राइट इंटेंट, एंड इसी वजह से और ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ आई ग्रू फ्रॉम 0 to 100,000 सब्सक्राइबर्स बाई जस्ट प्रोवाइडिंग एज मच वैल्यू एज आई कुड। मुझे जो भी चीज़ें सीखने मिली है इस इंडस्ट्री में मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसे भी हो उसमें सक्सेस मिले, फेलियर मिले, या फिर यू नो ओवर सक्सेस मिले या ओवर फेलियर मिले, जैसा है वैसे के वैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और यही इंटेंट बना रहेगा। जो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम लोग काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके भी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो अगर आप एक गेम डेवलपर बनना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी है, और अभी रिसेंटली तो मैं अनअकैडमी के साथ प्रॉपर फुल फ्लैश ट्यूटोरियल्स भी डालने वाला हूँ जिनसे आपको हेल्प हो जाएगी गेम डेवलपर बनने के लिए। तो अगर आप एक एस्पायरिंग गेम डेवलपर हो, अगर आप यू नो सीखना चाहते हो कि गेम डेवलपर कैसे बनते हैं, अनअकैडमी पे जो मेरा कोर्स आ रहा है उसको खरीद लीजिए, वहाँ से आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी, हैंड होल्डिंग होगी आपकी, और आपको फाइनल में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। So, उसकी लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, चेक दैट आउट। एडिशनली इस जर्नी के थ्रू मैंने खुद ने बहुत सारी चीजें सीखी है, मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ हूँ एज अ पर्सन, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप सब लोग इस जर्नी के थ्रू जुड़े हो। इस दौरान मैंने कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीजें की है, इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक बुक भी पब्लिश की है गेम डेवलपमेंट 101। उस बुक के अंदर आपके जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से रिलेटेड टू गेम्स एंड गेम डेवलपमेंट वो मैंने उसके अंदर आंसर किए हैं, तो इवन दैट बुक्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप एक एस्पायरिंग गेम डेफिनेटली दैट बुक इज अ मस्ट हैव, बिकॉज मैंने अब तक जितना फीडबैक सुना है लोगों से दैट हैज बीन जस्ट पॉजिटिव। सो चेक दैट बुक आउट, चेक आउट माई अनअकैडमी पेज इज वेल, एंड बॉटम लाइन यार थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी, बिकॉज आप सभी लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, एंड 100,000 के जो माइलस्टोन है ये मेरे लिए आप सभी लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर है जो आप मुझे दे रहे हो। आप मेरे कॉन्टेंट में विश्वास करते हो, आप मुझ में विश्वास करते हो, सो उसके लिए तह दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। Thanks a lot guys, I love you all, and as usual अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना।